धमतरी की नगरी पुलिस ने ऐसे गिरोह को दबोचने में कामयाबी हासिल की है जो गरियाबंद के देवभोग की हीरा खदान से निकले डायमंड की तस्करी करते थे। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 41 नग हीरे जब्त किए हैं जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आखिर कैसे हाथ आए तस्कर, रिपोर्ट देखिए। डायमंड स्मगलिंग गैंग गिरफ्तार, 5 लाख के हीरे बरामद, देवभोग खदान से करते थे तस्करी। पुलिस ने नगरी सकारा मोड़ पर दबोचा। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों को देखिए, यह है गरियाबंद के डायमंड स्मगलर गोपीचंद मरखा और बलिराम मेश्राम। जी हाँ, ये वो डायमंड स्मगलर हैं जो देवभोग के हीरा खदान से निकलने वाले हीरे की स्मगलिंग करते थे, लेकिन पुलिस को इनके कारनामे की भनक लग गई और गिरोह का पर्दाफाश हो गया। हाँ, मुखबिर के सूचना पर, हाँ, एसओपी साहब के निर्देशन में नगरी सांकरा रोड मुक्ति धाम के पास दो लोग बाइक में सवार होकर आ रहे थे जिसकी नाकेबंदी कर तलाशी लिया गया, जिसके पास 41 नग हीरा बरामद हुई। दबदरी के नगरी थाना पुलिस स्टेशन में जब एक इन्फॉर्मर का फोन आया तो फोन उठाने वाला पुलिसकर्मी भी चौंक गया। दरअसल ये इन्फॉर्मेशन थी डायमंड की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के दो सदस्य के बारे में। इन पर इन्फॉर्मर ने बताया कि थोड़ी ही देर में ये गिरोह नगरी इलाके के संकारा मोड़ से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल एक टीम सांकरा मोड़ पर नाकाबंदी करने के लिए रवाना कर दी। पुलिस की घेराबंदी से दोनों आरोपी बच नहीं सके और हत्या चढ़ गए। तलाशी लेने पर डायमंड स्मगलर गिरोह के कब्जे से 41 नग हीरे बरामद हुए जिनकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई। इन हीरों को देवभोग खदान से निकाला गया जिसे तस्करी के जरिए हीरा तराशने वाले कारोबारियों तक पहुंचाने की कोशिश में ये थे, लेकिन पकड़े गए। जिसकी कीमत लगभग 5 लाख आंकी गई है। दोनों आरोपी के खिलाफ 379-34 भादावी 421 के माइनिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और भी किसी अनसुलझे मामले में इनका हाथ रहा है क्या, पूछताछ में ऐसा कुछ पता चला? हाँ, उसकी विवेचना जारी है। इस गिरोह का हाथ आना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है जिससे ये पता लगाया जा सके कि हीरा खदान से हीरे की स्मगलिंग करने के मामले में आखिर कौन कौन से लोग इस गिरोह के साथ जुड़े हुए थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा जिसकी तहकीकात अभी जारी है। हवालात के लिए धमतरी से लोकेश साहू की रिपोर्ट। हवालात में बस